ये आकाशवाणी है, फर्श में उगा वृक्ष। आज प्रस्तुत है श्री आत्मजीत के पंजाबी नाटक फर्श विच उग्या रुख का हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवादक हैं श्री विनोद धीर। तो सुनिए नाटक फर्श में उगा वृक्ष। आज प्रस्तुत है इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी। आप एक मिनट आइए तो। एक मिनट सुमित। बोलो क्या बात है? अपने दोस्त पूछे दिल्ली से अजमेर गए थे कभी? जब पूछ लो अपने आप। आप पूछिए, तुम ही पूछ लो, इसमें क्या है? अरे भाई क्या बात हो गई? अब पूछते क्यों नहीं? पूछो। सुमित जी, आपने एक बार दिल्ली से अजमेर तक रेलगाड़ी में यात्रा की थी, कोई 4 वर्ष पहले? हाँ, वो तो मैंने कई बार की थी। ये सर्दियों की बात है, आपने ग्रे कलर का सूट पहना हुआ था, आपके हाथ में एक मैगजीन था और एक अखबार, आपके साथ एक लड़की बैठी थी, आपने उसे जयपुर स्टेशन पर चाय भी पिलाई थी। जरूर ऐसा हुआ होगा, लेकिन मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। मगर ये सब आप किस लिए पूछ रही हैं? कमाल है मित्र, कोई तुम पर निछावर हुआ जा रहा है और तुम्हें खबर ही नहीं। अरे कुमार, मुझे सचमुच कुछ भी याद नहीं यार। श्रीमान जी, मेरी इकलौती पत्नी ने आपके साथ यात्रा की थी। वो तो जनाब के साथ बहुत दूर तक भी जाने को तैयार थी, लेकिन जनाब गुम होंगे किसी बिजनेस के चक्कर में। माफ करना भाभी, मैं याद के मामले में काफी कमजोर हूँ, लेकिन ये बताइए, मैंने आपकी शान में कोई गुस्ताखी करने की हिमाकत तो नहीं की थी? सुमित, तुम तो हमारी चर्चा का विषय बने हुए थे, हम किसी आदर्श व्यक्ति की पहचान कर रहे थे और बिना तुम्हारा नाम और पता जाने बगैर तुम्हें एक आदर्श व्यक्ति माने हुए हैं। थैंक यू वेरी मच भाभी। लेकिन सुमित, जरा मुझ पर मेहरबानी करना, ये तुम पर पहले ही फिदा है। शीशा टूट गया। अरे ये क्या, चाचा का हाथ तो लोहा हो गया। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, हथौड़ी शीशे पर चा लगी और शीशा मेरे हाथ पर है। ओ चाचा के हाथ पर तो काफी गहरी चोट आई है। ये शीशा ही बदशगुनी है। चाचा आप रहने दें इन शीशों को, कोई कारीगर इसे अपने आप लगा जाएगा। नहीं बेटा, इसमें भला शीशे का क्या दोष, दोष तो मेरा अपना है। मैं डॉक्टर के हाथ से पट्टी करवा रहा था। और हाँ, बेडरूम में नंगे पांव मत जाना, सारे फर्श पर शीशे की किरचें बिखर गई है। हेलो, क्या हाल है भाभी? ठीक है। क्या हो रहा है? बस वैसे ही, कुछ खास नहीं। ये कुमार नहीं आया अभी? वो चाचा की पट्टी करवाने गए हैं। आपका काम कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा भाभी। आज एक होटल में मेरे स्टाफ की मीटिंग थी, उन सबको फील्ड में भेजने का प्रोग्राम बनाया है, मैं उनको सुपरवाइज करूंगा। आप पहुंचेंगे कितने बजे? पहुंचेंगे कहाँ? मेरा मतलब है कि आपको सवेरे कितने बजे जाना है? 8 बजे। आप उतरेंगे कहाँ? उतरेंगे मेरा मतलब है आपको कल जाना कहाँ होगा? यहाँ से सीधा होटल ही जाऊंगा। आपकी तबीयत तो ठीक है? ठीक है, मैं चाय लगाती हूँ। जरूर जरूर भाभी, एक फोन कर लो। श्योर। थैंक यू। हेलो, कौन? सिन्हा? हाँ मैं सुमित बोल रहा हूँ यार, पानी मिला था? अच्छा अच्छा, उससे कह देना कि वो रात डिनर पर जरूर आए, बहुत जरूरी प्लानिंग करनी है यार। और नो 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 नो, यू टू मस्ट रीच देयर बाय 8। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, मैं सैगल से मिलकर आऊंगा। हाँ? चाय तैयार है। जस्ट अ मिनट भाभी। हाँ वेरी गुड, अच्छा अच्छा, ओके देन सी यू एट 8। हाँ टेलीफोन रखता हूँ। लाइए भाभी चाय। लीजिए। थैंक यू। आपने
आज का अखबार पढ़ लिया है? हाँ, क्यों? कोई खास समाचार? नहीं, कोई खास तो नहीं। नहीं नहीं नहीं, हर बार आप नहीं, इस बार पैसे मैं दूंगी। मैं पैसे नहीं, जेब से रुमाल निकालने जा रहा था, और फिर घर में चाय के पैसे। आप, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ। फिर? नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। भाभी, अरे क्या बात है, आप लोग चुप क्यों हैं? सुमित, वीना, अच्छा अच्छा, लगता है आप दोनों चाय पी चुके हैं। वीना भाई, आप हमारा भी ख्याल कर लो, हमारे लिए दूध अभी लाए। भाभी, आज रात मेरे लिए खाना ना बनाइएगा। क्यों यार? डिनर मैं अपने स्टाफ के साथ बाहर लूंगा। नहीं यार, तुम मेरे पास आए हो, जितने दिन तक यहाँ हो तुम्हें अधिक से अधिक समय हमें देना होगा। नहीं नहीं कुमार, बिजनेस के नियम के अनुसार तो मुझे ठहरना। बस बस मेरे बिजनेसमैन, बस इस बात का फैसला हमारे हाथ है। ये लीजिए दूध। थैंक यू माय डियर। कुमार प्लीज यार, मेरी बात तो सुनो। मैं तुम्हारी कोई ऐसी बात नहीं सुनूंगा यार। जब तक वीना आज्ञा नहीं देती तुम इस घर से नहीं जा सकते। चलो उठो, ऊपर बालकनी में बैठकर गप्पे हांकते हैं। नहीं कुमार यार, कम ऑन। वीना, गजब हो गया। क्यों, क्या हुआ? तुमने आज सोकर उठते समय नहीं देखा? नहीं तो? हमारे बेडरूम के। हाँ हाँ, क्या हुआ हमारे बेडरूम को? हमारे बेडरूम के फर्श में दरार। फर्श में दरार? मैं बहुत हैरान हूँ, एक ही साल में फर्श में दरार। चाचा कुछ ऐसा ना कर बैठे हो जिससे फर्श टूट गया हो। उनका वहाँ क्या काम? दरार पलंगों के ठीक नीचे आई है, मालूम नहीं कितने रोज से है ये दरार। मेरा तो ध्यान आज ही गया है इस तरफ। तुम बैठो, मैं अभी किसी से इस बारे में राय लेकर आऊंगा। वीना, तेरे भीतर जो गाड़ी चल रही है उसे काबू में रख, उसके ब्रेक ढूंढने की कोशिश कर। इस समय उस गाड़ी में सिर्फ तू ही सवार है और कोई नहीं। अगर इसकी स्पीड तेज हो गई तो फर्श में गड्ढे पड़ जाएंगे। मैं क्या करूं, मुझे कुछ सुझाई नहीं दे रहा, मैं बेबस होती जा रही हूं। मेरी आंखें बंद होती जा रही हैं, मैं थक गई हूं, मुझे नींद आ रही है। कमाल है, घर में इतनी शांति, इतनी खामोशी, फिर कहां गए सब लोग? अरे वीना तो सोई हुई है, बेचारी थक गई लगती, इसको जगाने की तो कोई दलील ही नहीं। हांडा साहब कहा करते थे परिश्रम कर्म, और परिश्रम के बाद आई नींद स्वर्ग। हाँ हाँ, मेरा हाथ अब ठीक है, मैं अब शीशे साफ करने के काबिल हो गया हूं। बेडरूम वाला काम तो बस लटक गया है। नहीं नहीं सुमित, नहीं, तू यहां से चला जा। तो यहाँ क्यों आया, क्यों आया तू, तो मुझे क्यों?
क्यों मेरा जीवन इस मोड़ पर? क्यों 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 बेटा, क्या हुआ मेरी बच्ची को? क्या हुआ चाचा? बेटा चाचा कुछ नहीं चाचा। बेटा कुछ नहीं। बताओ बेटी क्या हुआ, कोई बुरा सपना देख लिया क्या? हाँ चाचा मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैं बहुत तेज रफ्तार से भागी जा रही हूँ। मैं अपने आप को रोकने की कोशिश करती हूँ पर रोक नहीं पा रही। हाँ मेरे बच्चे बोलो। मैं सहायता के लिए भीख मांगती हूँ पर कोई मेरी सहायता नहीं करता। मैं भागी जा रही हूँ पर मुझे कोई रोक नहीं पा रहा। और फिर मैं एक चट्टान से टकरा गई। चाचा चाचा सब कुछ चूर हो गया चाचा। बेटा चिंता की कोई बात नहीं है बेटे, ऐसे भयानक सपने कभी कभार आ ही जाते हैं। हांडा साहब कहा करते थे कि ऐसे ख्याल या सपने बिना कारण नहीं आते, परंतु कारण अक्सर बहुत मामूली होते हैं। मैं कोशिश करूंगा उस कारण को ढूंढने का। तू चिंता न कर मेरी बच्चे, चिंता न कर बेटी। ये लीजिए दूध। मैंने कहा दूध ले लीजिए। पी लूंगा। मैं अभी गर्म करके लाई हूं, गर्म गर्म पी लीजिए। कहा ना पी लूंगा, मेज पर रख दो। सुमित चला गया? हाँ। क्या बात है, बहुत परेशान लगते हो आप, बोलते क्यों नहीं? कुमार प्लीज बताइए ना, आप परेशान क्यों हैं? क्योंकि मेरे बेडरूम में एक पौधा उगाया है हमारे पलंगों के बिल्कुल नीचे दरार में से। मेरे ख्याल से फर्श में दरार पड़ जाने के कारण ये पौधा उगा है। बिल्कुल गलत, इस पौधे के उगने के कारण फर्श में दरार आई है। फिर कुमार आप इतने गुस्से में क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मेरे बेडरूम का फर्श टूट गया है और उसमें से एक पौधा उगाया है। आप उस पौधे को जड़ से उखाड़ दो, दरार रिपेयर हो जाएगी। प्लीज आप क्रोध मत कीजिए, मैं आपका क्रोध किसी भी कीमत पर सहन नहीं कर सकती। आप अभी उस पौधे को फर्श से उखाड़ फेंकिए। नहीं, वो पौधा वहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि मैं देखना चाहता हूं आखिर एक छोटा सा पौधा मेरे बेडरूम के पक्के फर्श को कैसे तोड़ गया। हेलो, नमस्कार जी। जी हाँ जी हैं, जस्ट मिनट। एक्सेल साहब है। यस सर, कुमार स्पीकिंग सर। जी जी ओके सर, लेकिन कब? जी जी बहुत अच्छा, जैसा आप चाहें सर। ओके सर, ओके सर। मैं रात की गाड़ी से बंबई जा रहा हूं, दफ्तर का जरूरी काम है, इनकार नहीं कर सकता था। चाचा के हाथ जाने के लिए जरूरी सामान स्टेशन पर भिजवा देना। मैं एक्सियन साहब के पास जा रहा हूं, वक्त कम है, जाने से पहले शायद घर ना आ सकूं। तकरीबन एक सप्ताह तक ही लौटना होगा। दूध तो पी जाते। क्या हुआ, क्या बात है बेटा?
कुछ नहीं चाचा। तुम्हें फिर भयानक सपना तो नहीं आया बेटा? हाँ आया था, पर चाचा आपका नाम लेते ही भाग गया। चलो बहुत अच्छा हुआ। चाचा मेरे पर एक कर्म करोगे? कहो बेटा कहो। हमारे बेडरूम में जो पौधा उगाया है उसे जड़ से उखाड़ दो और बाहर फेंक दो। प्लीज मेरे लिए कर दो, प्लीज चाचा, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। बेटा मैं शाम को स्टेशन पर इस बारे में उससे बात करूंगा, अगर वो कुछ कहे तो। अच्छा आप ऐसा कीजिए, बेडरूम को ताला लगा दीजिए, मैं दूसरे कमरे में सो जाया करूंगी। बेडरूम के तमाम शीशों पर काले कागज लगा दीजिए, जहां कहीं भी सुराख दिखाई दे उसे भी कपड़े भरकर बंद कर दीजिए, ताकि ना तो धूप भीतर जा सके और ना हवा। वो पौधा वहीं अंदर सड़ गल जाएगा। अच्छा बेटा अच्छा, मैं कोशिश करता हूं। मुझे तेरा जी ठीक नहीं लगता बेटा, तू आराम कर, मैं डॉक्टर को बुलाकर लाता हूं। मैंने हांडा साहब के परिवार में इतना तनाव पहले कभी नहीं महसूस किया। बेशक पहले भी इस घर में कठिन परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, जैसा कि हर घर गृहस्थी में होती, लेकिन लेकिन उन परिस्थितियों को सुलझाने का रास्ता सूझता रहा है। आज आज मैं जीवन में पहली बार बेबस महसूस कर रहा हूं, अपने आप को बेदलील महसूस कर रहा हूं। मेरे बच्चे कष्ट में हैं और मैं उन्हें कष्ट में नहीं देख सकता। मैं हांडा साहब को क्या मुंह दिखाऊंगा? मैंने कुमार के सुखी जीवन का दायित्व तो लिया था, मैं कुमार के जीवन के छोटे छोटे शीशों को भी साफ करता रहा ताकि ताकि उसका गृहस्थ जीवन हमेशा रोशन रहे, लेकिन लेकिन आज कहां से ढूंढ लाऊं वो रोशनी, वो प्रकाश जो मैं अपने बच्चों के जीवन में भर सकूं। हे भगवान, मैं जीवन के किस मोड़ पर आ गई हूँ जहां मैं ये फैसला कर पाने में अपने आप को असमर्थ पा रही हूँ कि मैं दोषी हूं या निर्दोष। और अगर दोषी हूं भी तो कितनी, ये तो स्पष्ट है कि बेडरूम में उपजा वृक्ष मैंने नहीं बोया। मैंने तो कितनी बार चाहा कि मैं और कुमार इस वृक्ष को उखाड़ फेंके। मैंने बार बार उनका विश्वास जीतने की कोशिश की, पर उन्होंने कभी कोई जवाब नहीं दिया, हमेशा परेशान और खामोश रहे। शायद वो देखना चाहते हैं कि वो वृक्ष कितना बड़ा हो सकता है। मैं क्या करूं जिससे उनका संदेह दूर हो, कैसे उनका शक दूर कर सकूं, उनका उनका विश्वास जीत सकूं। अब तो बेडरूम से सड़े गले पत्तों की बदबू आने लगी है। बेडरूम के रोशनदान के शीशे टूटने लगे हैं और वृक्ष की शाखें बाहर आने लगी हैं, और अब तो लोगों को भी नजर आने लगी है। यूं महसूस होता है वृक्ष अब कमरे की छत तक जा पहुंचा है। थोड़े दिनों में ये वृक्ष और बढ़ेगा और छत को तोड़कर बाहर आ जाएगा, लेकिन नहीं
नहीं नहीं, छत नहीं टूटनी चाहिए, पर मैं क्या करूं? उफ़, ये बेबसी, कुछ भी तो सुझाई नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी दवाई खाली थी? खाली थी। तबियत में कुछ सुधार हुआ? खास नहीं। चाचा कहाँ हैं? मेरे लिए दवाई लेने गए हैं। तुम खुद डॉक्टर के पास चली जाती? मैं ले चलूं? नहीं, मैंने चाचा को सब समझा दिया है। चाय बना दूं? नहीं, मन नहीं है। वीना, एक बात पूछो। पूछो। तुम्हें वृक्ष की छांव में बैठना अच्छा लगता है या कमरे के अंदर? जीने वाले तो कहीं भी जी लेते हैं। लेकिन मेरा प्रश्न कुछ और था, वृक्ष की छांव में या कमरे के अंदर? कुमार जी, मैंने आपको बता दिया है कि मैं कहीं भी जी सकती हूँ, पर उस वृक्ष की छांव में नहीं जो कमरे के अंदर उगा हो। क्यों? क्योंकि वहां ना तो वृक्ष के अधिक फैलने की गुंजाइश है और ना ही वो कमरा सुरक्षित है। तब तो वीना, मुझे ये पूछने का अधिकार है कि तुमने अपने बेडरूम में एक वृक्ष का बीज क्यों बोया? कुमार, अगर मुझे मालूम होता कि बीज इस स्थान पर है तो मैं कभी बेडरूम यहां ना बनने देती। जरा ध्यान से सोचो, ये बात कितनी अजीब है। तुमने खुद बीज बोया और तुम्हें अपने आप को मालूम नहीं कि बीज कहां बोया गया था? नहीं कुमार, जंगल का हर वृक्ष बोया नहीं जाता, बहुत से वृक्ष अपने आप उगाते हैं। पर जंगल में उगते हैं, कमरों में नहीं। विश्वास करो कुमार, मैंने जानबूझकर ये बीज नहीं बोया है। इस बात से इनकार नहीं कि इसका अंकुर मेरे भीतर से फूटा है, सिर्फ मेरे मन से। निश्चय ये बीज मेरे मन में कहीं गहरा पड़ा हुआ था, पर इसको पानी आपके दम से मिला है। मैंने बहुत चाहा कि हम इस पौधे को उखाड़ फेंकें, लेकिन आप खामोश रहे। मुझे तो तभी वो पौधा एक वृक्ष दिखाई देने लगा था, पर मैं अपने जख्म को खुद साफ करने में असमर्थ थी। फिर भी जहां तक मेरा बस चला मैंने कोशिश की। कुमार, आप तो मेरे जीवन साथी थे, मैंने बार बार आपका विश्वास जीतने की कोशिश की, पर आप हमेशा खामोश रहे। वीना, मैं तुम्हें एक आदर्श पत्नी मानता रहा हूं। कुमार, पत्नी भी तो इंसान होती है, उससे हमदर्दी करने के बजाय उस पर शक करने में आप अपनी मर्दानगी समझते रहे। मेरे जख्म पर आपके शक का, आपके संदेह का वृक्ष लगातार बढ़ता रहा। मैं वृक्ष को नष्ट करने के लिए जो कुछ कर सकती थी किया। मैंने बेडरूम को ताला लगा दिया, उसकी हवा और रोशनी बंद कर दी, पर मैं क्या करूं कुमार, ये नामुराद वृक्ष बहुत शक्तिशाली था, नष्ट न हो सका, जीवित रहा। पर मेरे पति ने मेरा दुख दर्द न बताया। ये काम और कौन कर सकता था? बताओ, बताओ, और कौन कर सकता था ये काम? वीना, अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी सुझाई नहीं दे रहा, मैं क्या करूं? नहीं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं कुमार, तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम इस वृक्ष को जड़ से उखाड़ कर फेंक दो। पर वीना, अब वो वृक्ष बहुत बड़ा हो चुका है। जरा हिम्मत और बुद्धि से काम लो। वो वृक्ष कितना भी बड़ा हो, बिना जड़ों का वृक्ष है, उसमें ताकत नहीं है। इससे पहले कि वो और जोर पकड़े, तुम उसे जड़ से उखाड़ कर फेंक दो। वीना, फेंक दो उसे। वीना।
राजा ठीक कहते हैं, हर कठिनाई का हल होता है, हर बिच्छू बूटी का इलाज होता है। ये हल, ये उपचार, वो वृक्ष, मेरी गृहस्थी, मैं वीना। मेरे जख्म पर आपके शक का वृक्ष लगातार बढ़ता गया। मैं इस वृक्ष को नष्ट करने के लिए जो कुछ कर सकती थी मैंने किया, पर आपने मेरे क्लेश का कारण जानने का यत्न क्यों नहीं किया? आपके सिवा और कौन कर सकता था? और कौन कर सकता था? और कौन कर सकता था? जख्म पर शक का वृक्ष, आपके सिवा और कौन कर सकता था? हाँ, इस वृक्ष को मेरे सिवा और कौन उखाड़ सकता था? कौन उखाड़ सकता था? मैं उखाड़ सकता था। मैं, लो, मैंने उखाड़ दिया। मैं वीना, मैं भरूंगा तेरे मन का घाव, मैं लगाऊंगा तेरे जख्म पर बरहम, मैं लगाऊंगा। वीना, वीना, उठो, उठो वीना, मैं वृक्ष को उखाड़ आया हूं। वीना, अब सब ठीक हो जाएगा। पर फर्श में तो गड्ढे पड़ गए होंगे। समय की धूल इन गड्ढों को भर देगी वीना, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। वीना, तुम उठो तो प्लीज। मेरे से उठा नहीं जा रहा। सोच रही हूं उठकर करूंगी क्या, मेरा जीवन रुक गया है। वीना, समझ में नहीं आ रहा इसे अब कहां से शुरू करूं। नहीं वीना, इस प्रकार निरुत्साहित नहीं होते, हौसला रखो। देखो, जीवन तो हमें अभी आरंभ करना है। पर कहां से आरंभ करें? कहां से? हाँ किचन से। वीना, किचन में जाओ और 2 कप गरम गरम चाय बना कर लाओ। 2 कप? हाँ, एक मेरे लिए। चाय? हाँ। कुमार। वीना। कुमार। फर्श में उगा वृक्ष, अभी आपने श्री आत्मजीत के पंजाबी नाटक फर्श विच उगया रुख का ये हिंदी अनुवाद सुना। हिंदी अनुवादक थे श्री विनोद धीर, निर्देशक सत्येंद्र शरत। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री राजेश्वर नाथ, जीत कौशिक, सुरेंद्र सेठी, बलराज बट्टा, नीरज शर्मा और वीना होरा। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।